हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जो आज का हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, जो वॉल्वरहैम्पटन में है, ये वॉल्वरहैम्पटन की लोकेशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ का जो व्यू है अभी इस टाइम बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी टाइम भी काफ़ी है, लाइक 7 o'clock का टाइम है। तो ये आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। तो बस आज जस्ट मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को बताना। तो इसमें हम इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, तो जो भी न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब हम आए थे हमारे पास में मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कैसा होगा क्या होगा, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। लाइक आपकी जो एक्साइटमेंट, आई थिंक सो आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सको। तो जो वेस्ट मिडलैंड साइड पे जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनकी वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, ये वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के पास है जो लोकेशन है मेन। यहाँ पे वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी बहुत नियर है, जस्ट ओनली 5 मिनट्स की वॉकिंग पे वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी है। तो ये वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के पास पार्क है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा पार्क है यहाँ पे। तो ये वहाँ की लोकेशन है। तो आज का जो ब्लॉग है जस्ट मैं फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स थे जो पूछ रहे थे, मैम हम आके कैसे अपनी जॉब फाइंड करेंगे, हमने आके क्या क्या करना है, प्लीज़ हमें थोड़ा बहुत उसके लिए गाइड कर दें। तो जब भी आप यहाँ, जब भी आपका वीज़ा हो जाता है, जब आप आते हो यूके में, ठीक है, सबसे पहले अगर आपने अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना है, जो BRP कार्ड है, ठीक है, बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट होता है आपका, तो उस पर आपका वीज़ा लिखा होता है। लाइक अगर आप 1 ईयर के लिए आ रहे हो, आप मास्टर के लिए आ रहे हो, तो कितना टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है, जस्ट वेट फॉर मिनट। तो उसके लिए जब आप यहाँ पे आते हो, BRP कार्ड सबसे पहले आपने कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपका होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो आपने कलेक्ट करना है। वो आप प्रेफर अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि उसको आने के लिए एटलीस्ट आपको 1 मंथ चाहिए, क्योंकि 1 मंथ के बाद आपका वो आ जाता है। तो उस पर जो भी आपकी वेजेस होती है, उसका जो टैक्स होता है, टैक्स कट के आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आती है, ठीक है। बट जो आप स्टूडेंट्स हो, तो आप 20 आवर्स के लिए एलिजिबल होते हो। 20 आवर्स आपने काम करना है यहाँ पे, 20 आवर्स काम करके आपकी जो वेज है वो आती है, और आपका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता। जब आप 20 आवर्स से ज़्यादा वर्क करते हो, उसके बाद जो आपका टैक्स है वो NI के ऊपर डिडक्ट होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले आके अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना है, और आफ्टर डैट आपने NI को अप्लाई करना है। NI अप्लाई आप जो UK की गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी से वहाँ से अप्लाई हो जाता है वो। और उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ भी पड़ी है यूट्यूब पर, आप वो देख के भी अप्लाई कर सकते हो अपना NI। उसके बाद आपका होता है GP, आपने अपना GP रजिस्टर करवाना है जिस भी लोकेशन में आप रह रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो नियर GP कौन सा है, तो वहाँ पे आपने अपना GP रजिस्टर करवाना है। आफ्टर इट वर्क आता है पार्ट टाइम जॉब्स का, आप अपनी पार्ट टाइम जॉब्स कैसे फाइंड कर सकते हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, आपकी जो भी लोकेशन है, वहाँ पे मेन चीज़ होती है आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज। आप अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ टाई अप कर सकते हो, रिक्रूटमेंट एजेंसी सर्च कर सकते हो, उनको अपना BRP कार्ड दे सकते हो और आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, और उनको बोल सकते हो भी हमें पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए, वो आपको पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल करवा देते हैं। ओके गाइस, जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, आज ब्लॉग फर्स्ट है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग्स अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अपलोड करूँगी। और जो भी आप चाहते हो नेक्स्ट ब्लॉग में लाना, लाइक वॉल्वरहैम्पटन साइड पे जो भी आ रहे हैं जिनकी वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहते हो मैं वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ बनाऊं, और आपकी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ बनाऊं, और क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँगी। ओके गाइस, अभी मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ आपको, जो वॉल्वरहैम्पटन का सिटी सेंटर है उसका जो व्यू कैसा है। अगर आप वेस्ट मिडलैंड साइड पर आ रहे हो, तो जो वॉल्वरहैम्पटन सिटी सेंटर का व्यू है वो आप देख सकते हो। ये बसेज है यहाँ पर चलती हैं, ये है सिटी सेंटर का व्यू, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी समर्स है, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, और अपनी जैकेट्स वगैरह जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पता होता कब बारिश हो जाती है, कब जो वेदर है वो ठंडा हो जाता है, आप कुछ नहीं कह सकते। और जहाँ पे ये बैंक्स हैं सिटी सेंटर में, वॉल्वरहैम्पटन में ये बैंक्स हैं, क्योंकि आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, तो मैं शो करती हूँ, ये वो बार्कले बैंक है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बैंक है, आप ओपन कर सकती हो अपना अकाउंट। और ये सिटी सेंटर का व्यू है, सी गाइस,
देखिए ये है लॉयस बैंक, यहाँ पे भी आप अपना ओपन कर सकते हो अकाउंट। इसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी वॉलेट्स ले सकते हो। और ये है सिटी सेंटर का व्यू। सिटी सेंटर में आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ पे सारी जो मेन मार्केट्स होती हैं वो अवेलेबल है, लाइक जैक्स है, मैकडोनल्ड है, कॉस्टो कॉफ़ी है। तो ये सिटी सेंटर का व्यू है। अभी सारी मार्केट क्लोज है क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो 6 o'clock क्लोज हो जाती है। तो आपको जो भी परचेज़ करना है आप 6 o'clock तक परचेज़ कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे फिनिश। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। बाय बाय।